गंगा के पानी निर्मल होता है। आप ऋषिकेश हरिद्वार में जाते हैं, देखते हैं वहां के पानी कितना निर्मल है। लगता है पानी वहां के बहुत गहरा नहीं है, लेकिन पैसा भी फेंक दो दिखाई देगा। जब वहां उतरने लगो तो डूबने लग जाओगे, इतना पानी रहता है और इतना निर्मल रहता है। उसी प्रकार से पूज्य संत श्री श्रीमपाल साहेब जी का जीवन गंगा के पानी के समान निर्मल थे, एकदम निर्मल, निष्कपट, निर्छल जीवन था, कपट और छल छिद्र से रहित थे। हमारे जीवन में एक तरह से जो कुछ भी मिला है, जन्म भूमि डर रही है। अपना जी जो जन्म भूमि घर था, बस सामने ही घर बाड़ी साहेब जी के थे। बाल्यावस्था में ही उनका जीवन दर्शन देखने को मिलता था। घर से निकल पड़ते थे, नौकर रहा घर में, घर के कामकाज करता, घर के कामकाज में पहले घर में थे साहेब जी, तब की बात है। साधना उनके बहुत कठिन थी, कठोर साधना। भोजन की परवाह नहीं, चले जाते थे दोपहर में ही, सुबह ही गांव के बाहर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी में नाला है, कहीं भी नाला में छिप करके बैठे रहते थे, अध्ययन साधना भजन करते रहते। शाम हो जाता आते नहीं, नौकर कुछ ले करके जाते हैं, खोजते खोजते नाला नाला कहीं पाते, दे करके साहेब जी लौटा देते। घर में ही रह करके उन्होंने कठिन साधना किया और गुरु के शरण में गए। उस समय न ही इलाहाबाद बना था, न अयोध्या बनी थी। हमारा मूल आश्रम बढ़रा था, बढ़रा गोंडा जिला में पड़ता है। सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जी के शरण में गए, उनके द्वारा ही साधु वेश हुआ। घर का नाम केवल मेहतर था, सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब के द्वारा साधु वेश होने के बाद शरणपाल साहेब नाम पड़ा। गुरु के शरण में कुछ दिन रहे, फिर बाद में पूज्य संत श्री शरणपाल साहेब जी श्री अभिलाष साहब जी के निकट हो गए। साहेब जी ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, गांव में कक्षा 4 तक पढ़े थे। और उस समय साहेब जी का, श्री अभिलाष साहेब जी का सदगुरु के सानिध्य में आ चुके थे और पहला पुस्तक वैराग्य संजीवनी लिख रहे थे। जब लिख लिए
तब उस पुस्तक का पांडुलिपि कहा जाता है, जो प्रतिलिपि शुद्ध लिपि साहेब जी करते थे। बहुत सारा पुस्तक है, साहेब की सेवा भी, भोजन भी बनाना, कपड़ा भी धोना और लिखाई के काम भी करना। उस समय साधु समाज अधिक नहीं थे और साहेब जी ही सब काम कर लेते थे। साहेब के पास रह करके पुस्तक छपाई के भी काम में, प्रूफ पढ़ने के काम, सारा काम श्री विलास साहेब जी के साथ में रह करके करते थे। और साथ साथ साहेब के साथ में जाते थे, पुस्तक का बिक्री भी काम करना, पुस्तक के हिसाब किताब रखना, सारे काम साहेब के जिम्मे में था। और ज्ञान वैराग्य और भक्ति में एकदम प्रवीण थे, एकदम प्रवीण, कोई कसर नहीं था उनका। जैसे जीवन हमने संतों में देखा नहीं, इतना प्रवीण थे। नयपरा आश्रम बना, कोई भी संत भक्त जाते हैं बराबर वो याद रखते हैं, कहाँ से आए हो, कब आए, भोजन किए कि नहीं किए, आसन बिस्तर लगा है कि नहीं लगा। साहेब जी संतों का ही नहीं, भक्तों का भी ख्याल हमेशा रखते थे। जो कुछ भी उसे मिलता, घर के संपत्ति भी, कम से कम उसके घर में, घर का अकेला था, बहन थी चली गई थी, और सारा हिसाब किताब दूसरों के माध्यम में था। लेकिन हम लोग जब सन 71 से शुरू किया दर्रा आश्रम का निर्माण, सब कुछ सौंप दिए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कुछ भी हिसाब किताब उन्होंने अपने पास नहीं रखा। जब तक दर्रा में था जो कुछ भी मिलता ला करके दे देते थे। नयपरा गया, वहां भी जो कुछ मिलता आश्रम में ही दे देते थे, अपने पास कुछ भी रखते नहीं। ना वो अलग से कुछ खाते पीते थे, ना साबुन सोडा खरीदते थे, जो भक्तों से मिल जाता कपड़ा साबुन उसी में गुजर करते। जीवन में उन्होंने टार्च भी नहीं रखा, पूरा उम्र बीत गई। इस प्रकार से त्याग में एकदम प्रवीण संत थे, प्रवीण संत। अंतिम समय में शरीर में व्याधि आई, रायपुर में भर्ती हुआ डॉक्टर बाठिया के यहाँ। पहले तो और दूसरे हॉस्पिटल में थे और जब अंतिम हुआ तो डॉक्टर बाठिया के यहाँ हुआ। मैं सेवा में था उस समय और संत भी रहे। साहेब के पास जिस दिन अंतिम हुआ सुबह 4 बजे के 3:30 बजे के समय में, लेकिन प्रथम पहर से ही शरीर की स्थिति बिगड़ने लगी। बार बार साहेब के पास जाता, पूछता साहेब जी कैसे हैं, सब ठीक है, सब ठीक है, आपके मन कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं, अपने में है। जब तक उसके चेतना शक्ति रही पूछता रहा अपने में है, कहीं नहीं, अपने में रहना, कुछ भी ना सोचना, ये जीवन मुक्त और विदेह मुक्ति के लक्षण है। उनका जीवन दर्शन इतना महान कि अपने स्वरूप में हमेशा तल्लीन रहते थे। उनका गाने का, प्रवचन करने का भी तरीका एकदम
मस्त रहता था। भक्त लोग काफी आकर्षित होते थे। ऐसे महान निर्मल संत हमारे लिए तो सदगुरु से बढ़कर के ही है। उनका सानिध्य और सदगुरु शिवदास साहेब के त्याग और वैराग्य दोनों का जीवन दर्शन हमको भरपूर मिला, प्यार मिला, कोई कमी नहीं। उन्हीं का दिया हुआ सीख में हम चल रहे हैं। सदगुरु अभिलाष साहेब ने कहा, शकरी आने के बाद देखो रोटी धोती छाया के चिंता नहीं करना, तुम्हें खूब मिलेगा। रोटी धोती छाया है, कभी सोचना नहीं, बस अपने कल्याण के लिए वासनाओं का त्याग करना, कोई इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो, और इसी जीवन में निर्वाण को प्राप्त करना एकमात्र, यही याद कराते रहे सदगुरु शिवदास साहेब जी। तो दोनों संतों का जो जीवन है, दोनों संत ने ही सकल शिरोमणि संत कहा जाता है। ज्ञान बड़े गुरुदेव हैं, बुद्धिबल बड़े महंत, शब्द विवेकी पारखी सकल शिरोमणि संत। इन संतों में ये चारों महत्व महान थे। ज्ञान बड़े गुरुदेव हैं, ज्ञान से भी महान थे, बुद्धिबल बड़े महंत, बुद्धि और बल में भी महंत की योग्यता थी। ज्ञान बड़े गुरुदेव हैं, बुद्धिबल बड़े महंत, शब्द विवेकी पारखी, विवेकी भी थे, विवेक करके परख करके हर काम करते थे। सकल शिरोमणि संत, और संत को कहा जाता है सबसे शिरोमणि है, सबसे ऊपर है, उससे उससे बढ़ करके और कुछ है ही नहीं। तो सदगुरु शिवदास साहेब जी का जीवन दर्शन प्रपंच से रहित, और सदगुरु शिवदास साहेब के श्री अभिलाष साहेब का, श्री श्रीपाद साहेब जी का जीवन दर्शन दोनों का देखा, एकदम त्याग और वैराग्य से ओतप्रोत थे। ऐसे पूज्य संत श्री श्रीपाद साहेब जी के आज हम याद कर रहे हैं, कितना महान थे। ऐसे संत मेरे लिए एक प्रकार से धरोहर था, जो कि भटकते हुए को जहाज की तरह मिला और भरपूर प्यार भी मिला। यदि वो न मिले होते, उन संतों का साथ सानिध्य न मिला होता, पता नहीं यह जीवन कहाँ होता, आज कहाँ पड़ा रहता, कहाँ कीचड़ में रहता, जिसकी थाह नहीं। उन संतों की एक नहीं हजारों बार महिमा हम मुख से नहीं कह सकते हैं। इतना महान संत थे, उनके समान संत बराबरी में कहना कठिन है। संत तो बहुत हैं, बहुत हैं, लेकिन सदगुरु शिवदास साहेब जी के सानिध्य मिलने के पूर्व सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी के सानिध्य में जाने के पूर्व, जब तक घर में रहा, विद्यार्थी जीवन था, बाल्यावस्था भी था, उस समय साहेब जी घर में थे, हमेशा साहेब जी के पास सुबह ही जाता, स्कूल से आता तब भी जाता, उनके पास बैठता और साहेब जी के सानिध्य में रहता, और भजन सत्संग पाठ उनके पास बैठ करके ही होता था। पास में ही घर था,
उस समय साहेब जी घर में ही थे। इस प्रकार से ऐसे महान संत सद्गुरु का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। आज नहीं है, कमी महसूस जरूर होता है, लेकिन जो कुछ भी मेरे जीवन में लाभ दिखाई देता है उन गुरुजनों के, उन संतों के, उन सद्गुरुओं के ही महान कृपा है। आज सक्रिय आश्रम में भी आकर के जो कुछ भी मुझे जीवन में चलने को मिल रहा है वे भी उन संतों का त्याग वैराग का ही फल है। पता नहीं मैं भी कहाँ होता। इसलिए सभी लोग स्थिर आसन से बैठ करके ऐसे महान संतों का 2 मिनट ध्यान धारण करें। चित्त एकदम शांत, सब कुछ को भूल जाएं हम सब, कुछ भी ना सोचें, एकदम शांत चित्त हो जाए, लहर रहित पानी हो जाता है। उसी प्रकार से हम अपने चित्त को एकदम मौन कर दें, कुछ ना सोचें, कुछ मिनट बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पाय मानुष कतन आज कर ले भजन, ना भुलाना तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाय मानुष कतन आज कर ले भजन, ना भुलाना तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर ये नर्तन को पाया। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर ये नर्तन को पाया। भाग्य तेरे जगे, दाम ऐसे लगे मुक्ति पाना। मन को विषयों से अपने हटाना। पाय मानुष कतन आज कर ले भजन, ना भुलाना तेरे जीवन का क्या है ठिकाना।
स्वप्न की संपत्ति में न फूले, देख दो दिन की माया न भूले। स्वप्न की संपत्ति में न फूले, देख दो दिन की माया न भूले। मृत्यु के बाद सब ये रहे तेरे कब घर खजाना, फिर तू क्यों होता इनमें दीवाना। पाय मानुष कतन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अकल कुछ ना करेगी। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अकल कुछ ना करेगी। यात साधन में मन कर ले अपनी लगन दूर जाना, क्यों तू पथ में ही बैठा भुलाना। पाय मानुष कतन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। विष के वत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। विष के वत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। नित स्वतः रूप भज मन के अध्यास तज मद जलाना, शांति अभिलाष अपने में पाना। पाय मानुष कतन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। बोलिए सतगुरुदेव की जय।